इधर मध्य प्रदेश में सीआर के बाद लकड़बग्घों का आतंक है और इस बार मुरैना के शिकारपुरा में एक लकड़बग्घा दिखा है। इसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल, लोग इतने भय में जी रहे हैं, डर में जी रहे हैं कि किसानों ने खेतों में जाना छोड़ दिया, लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया। ड्रोन की मदद से लकड़बग्घे की तलाश जारी है, अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। और सीधा आपको मुरैना लिए चलेंगे, सहयोगी अमित शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित के पास आपको लिए चलेंगे। अमित, सबसे पहले क्या कुछ अपडेट है अब तक, लकड़बग्घे की कोई जानकारी या क्या कुछ कह रहा है वन महकमा? देखिए, जहाँ तक वन महकमे की बात की जाए तो लगभग 5 दिन हो चुके हैं और यहाँ पर यानी कि शहर से सटा हुआ शिकारपुर गांव है और वहाँ पर लगातार लकड़बग्घे का मूवमेंट है। अब देखा जा रहा है कि ग्रामीण अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, इस लकड़बग्घे की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ग्रामीणों को कोई सुराग नहीं मिला है और ग्रामीणों ने वन विभाग को लगातार 5 दिन से सूचना दी थी। कल देखा गया था कि वन विभाग कुछ देर के लिए गया था, वन विभाग ने सर्चिंग ऑपरेशन चलाया लेकिन लकड़बग्घे का कोई सुराग नहीं लगा है। इस वजह से अब ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, क्योंकि इस समय सीजन किसानों का चल रहा है, किसान किसानी का काम करने के लिए खेतों पर भी जाते हैं, लेकिन इस लकड़बग्घे के मूवमेंट के चलते अब किसान घरों से नहीं जा रहे हैं और कुछ किसान हैं जो हिम्मत जुटा करके ड्रोन के माध्यम से लाठी डंडे लेकर के खेत पर जा रहे हैं और इस लकड़बग्घे की तलाश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी देखा गया था कि जो महुआ थाना क्षेत्र है वहाँ पर एक तेंदुए ने आतंक मचाया था, वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि कुछ जंगल से निकल कर के जो जंगल में जानवर चरने के लिए जाते थे उन मवेशियों को तेंदुए ने शिकार बनाया था और आधा दर्जन से अधिक मवेशियों को शिकार बनाया था। अब देखा जा रहा है पिछले 5 दिनों से शिकारपुर में तेंदुए जो लकड़बग्घा है उसका आतंक लगातार बना हुआ है और इस आतंक के चलते अब ग्रामीणों में दहशत है। जी चलिए चलिए, बहुत धन्यवाद अमित इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अमित विस्तार से जानकारी दे रहे थे, गांव वालों में दहशत है, कुछ मेहनत करके पहुंच भी रहे हैं, अब ये कब पकड़ाएगा यही एक सबसे बड़ा सवाल। बात राजस्थान के उदयपुर की करेंगे, यहां एक तेंदुए ने आतंक फैला रखा है, दहशत ऐसी कि हर कोई डरा हुआ है। रात के अंधेरे में एक और शिकार, गांव वालों पर खूनी पंजों का प्रहार, उदयपुर में तेंदुए से सावधान। राजस्थान के उदयपुर के गोंगुदा में तेंदुए का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में 7 दिन में 4 लोग तेंदुए के अटैक से अपनी जान गंवा बैठे हैं। आदमखोर तेंदुए ने अब 5 साल की मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाया है। परिवार के मुताबिक मासूम बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, इसी दौरान तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया और उसे उठा कर ले गया, जिसके बाद जंगल में बच्ची का कटा हुआ हाथ और कपड़ों के टुकड़े मिले। दरअसल पिछले 7 दिनों में तेंदुआ 4 लोगों की जान ले चुका है। आदमखोर ने 19 सितंबर को 2 लोगों पर अटैक किया जिसमें उनकी जान चली गई। दूसरे दिन 20 सितंबर को भी 2 महिलाओं पर अटैक किया जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। फिलहाल तेंदुए को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रशासन ने अब तक 2 तेंदुए पकड़ लिए हैं, लेकिन इलाके में अब तीसरे तेंदुए की एंट्री ने लोगों में दहशत बढ़ा दी है, क्योंकि लगातार हो रहे पैंथर के हमलों के बाद लोग डरे हुए हैं। और इधर बहराइच में भेड़िये का आतंक जारी है, अभी भी लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। इन सब के बीच कैमरे में एक भेड़िया नजर आया, दावा किया जा रहा है कि यह वही छठा भेड़िया है जिसकी तलाश में वन विभाग दिन रात एक किए बैठा है। बहराइच में आतंक का दूसरा नाम बने भेड़िये की दहशत है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। छठे भेड़िये की तलाश काफी दिनों से चल रही है, लेकिन अभी तक भेड़ियों का सरदार हाथ नहीं आया है। वो लगातार वन विभाग के कर्मचारियों को छका रहा है। इसी सर्चिंग अभियान के दौरान एक बार फिर भेड़िया कैमरे पर नजर आया। वीडियो में भेड़िया चहलकदमी करता हुआ दिख रहा है। सुबह के समय भेड़िया कैमरे में कैद हुआ है।
महसी के सिकंदरपुर इलाके का ये वीडियो होने का दावा किया गया है। भेड़िए के दिखने की खबर के बाद आसपास के गांवों में भी हड़कंप मच गया। पांचवा भेड़िया 10 सितंबर को पकड़ा गया था, लेकिन उसके बाद से वन विभाग के हाथ खाली है। भेड़िए अब तक 10 लोगों का शिकार कर चुके हैं, जिसमें 9 बच्चे शामिल हैं। 50 से ज्यादा लोग भेड़िए के हमले में घायल हैं। भेड़िए को पकड़ने के लिए 200 से ज्यादा कर्मचारी दिन रात जुटे हैं। लोग रात में भी पहरेदारी कर रहे हैं, कैमरों से निगरानी हो रही है, जाल बिछाए गए हैं, लेकिन फिर भी कामयाबी दूर है। अब सिकंदरपुर में भेड़िए के दिखने का दावा है, जिससे वन विभाग भी अलर्ट हो गया। उसकी धरपकड़ के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। पिछले हफ्ते भी 2 भेड़ियों के दिखने का वीडियो वायरल हुआ था, जो बहराइच के नानपारा तहसील का बताया जा रहा था, जिनकी तस्वीर वहां एक घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने कैद कर ली। भेड़िए के दिखने के 2 वीडियो सामने आए थे। इसमें दोनों भेड़िए एक बकरी को अपने साथ उठाकर ले जाते हुए दिखाई दिए। दावा था कि नानपारा के जिस घर में सीसीटीवी लगा था, उसके मालिक ने जब अपने घर की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उसी में भेड़िए की चहलकदमी देखी गई, जिसके बाद उसने सोशल मीडिया पर भेड़ियों का वीडियो वायरल कर दिया। वन विभाग 6 भेड़ियों के होने का दावा कर रहा था, लेकिन यहां तो एक साथ 2 भेड़िए दिख गए। अब सवाल है कि क्या इलाके में भेड़ियों की संख्या ज्यादा है, जिससे वो बार बार रात में लोगों और मवेशियों पर हमला करने आ रहे हैं। वहीं ग्रामीण भी समय समय पर भेड़िए के दिखने की बात करते रहे हैं। अब अगर भेड़ियों की संख्या ज्यादा होगी तो फिर वन विभाग के लिए भी चुनौती बढ़ने वाली है। अब एक बार फिर कैमरे में भेड़िए की तस्वीर कैद हुई है, जिसमें वो अकेला घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। महसी तहसील के दर्जनों गांव खौफ के साए में जी रहे हैं। महसी तहसील में भेड़ियों का खूनी खेल जुलाई में शुरू हुआ था। 6ठा भेड़िया अभी भी आजाद घूम रहा है, उसके पकड़े जाने का इंतजार है। वहीं झांसी में भी भेड़िए का आतंक दिखा है। शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के पुलगहना गांव में भेड़िए ने एक महिला पर हमला कर दिया, जिससे वो जख्मी हो गई। महिला खेत से अपने घर लौट रही थी। महिला के शोर मचाने पर आसपास के किसानों ने लाठी डंडों से भेड़िए को भगाने की कोशिश की। बाद में ग्रामीणों की भीड़ जुटने के बाद भेड़िया जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। भेड़िए के हमले में घायल महिला को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पांव में काट है और पीछा ही आदमी है, दो लठ लाए थे, वो एकदम दौड़ो सो घोड़े में चिपक गयो। वो बस सुन आदमी ने हमने की बचाओ बचाओ, सुन आदमी ने 3-4 लठ दाए, और तब भी नहीं छोड़ो बाने, फिर बड़ी देर छोड़ो ये को आ गयो, फिर बाने दाए लठ। तो इस तरह बहराइच सीतापुर के बाद अब झांसी में भी भेड़िए का खौफ दिखाई दे रहा है। बहराइच से न्यूज 18 के लिए अखिलेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।